हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे इस टाइप की सिंपल और अमेजिंग डोर फोटो एडिटिंग कैसे की जाए। बिल्कुल लास्ट टाइम देखिए था, चलते हैं बाइक की स्क्रीन पर। तो इस टाइप की फोटो बनाने के लिए आपको इन तीन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके मोबाइल में ये तीन एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फोटो रूम में और जो फोटो हमने क्रिएट करनी है वो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो गाइस देख सकते हैं इसने हमारी फोटो में से बैकग्राउंड मूव कर दी है। यहाँ ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फोटो को सेव कर लेंगे। तो सेव करने के बाद हम चलते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। पिक्सआर्ट में आने के बाद यहाँ से हम कलर्स में जाएंगे और यहाँ से वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइस हम टूल्स में जाएंगे और यहाँ से क्रॉप में जाने के बाद ये इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट वाला सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से डन कर देंगे। और अब गाइस हम उस फोटो को इंपोर्ट करेंगे जिसका अभी हमने बैकग्राउंड मूव किया है। इसके लिए ऐड फोटो में जाएंगे, यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसका मैं साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे करके एडजस्ट कर लेते हैं। तो गाइस इतना करने के बाद मैं इसकी ओपेसिटी को कम करके 70% रख दूंगा। इसके बाद हम रेज़र में चलेंगे, यहाँ से रेज़र को सिलेक्ट करके इसका साइज़ बड़ा कर देंगे, हार्डनेस को 20 पे रखेंगे और ओपेसिटी को 30 के अराउंड पर रखेंगे। इसके बाद गाइस हमें मॉडल के सिर्फ साइडों से इरेज करना है, तो यहाँ से हम इरेज कर लेते हैं। तो गाइस आपको भी इसी तरह इरेज करना है जैसे मैं इरेज कर रहा हूँ। इतना करने के बाद यहाँ से डन कर लेंगे और यहाँ से भी डन कर लेंगे। अब गाइज मैं इसी फोटो को दोबारा इंपोर्ट करूँगा, इसके लिए फिर से ऐड फोटो में जाएंगे और इसको फिर से यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसका मैं साइज थोड़ा बड़ा कर लेता। गाइज आप चाहें तो यहाँ पे कोई और भी फोटो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यही यूज़ करूँगा। इसका साइज इतना रखने के बाद यहाँ से जाएंगे शेडोज़ में गाइज। यहाँ पे मेरा शेडो नहीं काम कर रहा, इसके लिए दूसरा तरीका भी है। यहाँ से लेयर्स में जाएंगे और इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। उसके बाद इफेक्ट्स में जाएंगे, कलर्स में जाएंगे और यहाँ से ये ब्लैक एंड वाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद इसकी अमाउंट को मैं बिल्कुल ज़ीरो कर दूँगा। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब मैं जाऊँगा ब्लर में, यहाँ से इस ब्लर को सिलेक्ट करेंगे, इसकी अमाउंट को तकरीबन 30 के आसपास रखेंगे और यहाँ से डन कर लेंगे। इसके बाद ये मूव डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा शेडो क्रिएट हो गया। यहाँ से इसकी ओपेसिटी को मैं कम कर लेता हूँ, तो फाइनली हमारा शेडो का काम भी हो गया। इसके बाद यहाँ से डन कर लेंगे और यहाँ पे एक PNG ऐड करेंगे। इसके लिए फिर से ऐड फोटो में जाएंगे, यहाँ पे इस PNG को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसका मैं ब्लेंड मोड चेंज कर देता हूँ। ब्लेंड में जाने के बाद इसको स्क्रीन कर देंगे और इसको मैं यहाँ पर करके एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम कर लेंगे और एडजस्ट में जाने के बाद यहाँ से सैचुरेशन को माइनस में कर लेंगे हल्का सा, यहाँ से डन कर लेंगे और इसको मैं यहाँ पे करके एडजस्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ से डन कर लेंगे और यहाँ पे एक और PNG ऐड करेंगे। इसके लिए फिर से ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ पे ये वाली PNG को सिलेक्ट कर लेंगे, इसका ब्लेंड मोड चेक करेंगे, ब्लेंड में जाने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं रोटेट कर लेता हूँ, इसका मैं साइज भी बड़ा कर लूँगा। इतना करने के बाद हम इसको इस पॉइंट से पकड़ के इधर को ले आएंगे और यहाँ पे करके एडजस्ट कर देंगे। इतना करने के बाद ओपेसिटी में आएंगे और यहाँ से इसकी ओपेसिटी हल्की सी कम कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ से डन कर लूँगा। तो गाइस यहाँ पे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का काम ख़त्म हो चुका है, इसको यहाँ से मैं सेव कर लूँगा और अब हम चलते हैं Lightroom एप्लीकेशन में। तो गाइज यहाँ पे हमारी फ़ोटो Lightroom एप्लीकेशन में ओपन हो गई है। हम सीधा चलते हैं कलर्स वाले ऑप्शन में और यहाँ से इसका वाइब्रेंस को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। यहाँ से जाएंगे मिक्स में और ऑरेंज को सिलेक्ट करने के बाद इसका सैचुरेशन मैं कम कर दूँगा और ल्यूमिनेंस को बढ़ा लेंगे
इतना करने के बाद यहाँ पे येलो में जाएंगे और येलो का सेचुरेशन बढ़ा देंगे, हल्का सा एच यू ही भी बढ़ा देंगे और ल्यूमिनस को कम कर लेंगे। और फिर ये ब्लू वाले को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसका भी सेचुरेशन बढ़ा लेंगे और इसका एच यू माइनस, इसको मैं -20 रख रहा हूँ, और यहाँ से हल्का सा इसका ल्यूमिनस भी बढ़ा लेंगे। इसके बाद रेड वाले में आएंगे और इसका भी सेचुएशन हल्का सा बढ़ा लेंगे। इसके बाद यहाँ से डन कर लेंगे। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, यहाँ से टेक्सचर को मैं बढ़ा लेता हूँ, टेक्सचर को करीब 20% रखेंगे और क्लैरिटी को भी हल्का सा बढ़ा लेंगे, हेज को भी हल्का सा बढ़ा लेंगे और यहाँ से विग्नेट को कम कर लेंगे, यहाँ से मिड पॉइंट को भी हल्का सा कम कर लेंगे और फेदर को बढ़ा देंगे। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट ऑप्शन में, यहाँ से शार्पनेस को इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ मास्किंग को करीब 80% के करीब रखेंगे। इसके बाद नॉइस रिड्यूसिंग को भी हल्का सा बढ़ा देंगे और यहाँ पे नीचे के बाद कलर नॉइस रिड्यूसिंग भी हल्का सा बढ़ा देंगे। तो गाइज यहाँ पे हमारी फोटो फाइनल एडिट हो चुकी है, यहाँ पे भी इसका बिफोर आफ्टर भी चेक कर सकते हैं और यहाँ से फोटो को कर लेंगे एक्सपोर्ट। और गाइज वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।